हेलो, सलाम अलैकुम। तो आज हम अंडा करी बनाने जा रहे हैं। तो जो हम चार अंडे का बनाएंगे, तो और बहुत जल्द, ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है गाइज। तो देख रहे हैं आप, बहुत ही खाने में टेस्टी है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें ये, और ये छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद आती है, और बहुत जल्दी बनने वाली ग्रेवी है ये, करी है जो, अंडा करी है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमने आधा कप तेल ले लिया है, अपनी हिसाब से तेल आप ले सकते हैं। और हमने इसमें एक प्याज स्लाइस करके, चॉप करके डाल दी है, और एक तेज पत्ता, दो इलायची हमने डाल दी है। वो हमको दिखा नहीं पाए गाइस। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और एक बड़ी प्याज हमने ली है, उसको मिक्सर में डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं, और ये गोल्डन ब्राउन होने पे इसमें हम डालते हैं 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने बहुत ही पानी डाल करके पीस लिया था। आपको ज़्यादा लग रहा होगा इसकी क्वांटिटी, लेकिन ये 3 ही चम्मच है, और हमने पानी मिलाकर पीसा है इसलिए। और इसको अच्छे से भून लेना है एक बार। थोड़ा सा पानी हम और मिला के डाल दिए उसका, धुल करके, और अच्छे से इसको हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट। और इसमें अब हम डालते हैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे, और धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल देंगे, और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 1 चम्मच हम डाल दे रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा डेगी वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है, 1/2 चम्मच वो डाल देंगे। और गरम मसाला हम 1 1/2 1.5 चम्मच डाल दे रहे हैं। आपको जितना लगे आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और अच्छे से फ्राई भूनना है इसको, जब तक इसका तेल तेल ना सेपरेट हो जाए। तो चलिए इसको हम भूनते हैं, बहुत अच्छे से भून लेना है। और गैस, ये बहुत अच्छी डिश है, आप इसको फौरन बना सकते हैं बहुत जल्दी। और इसमें हम जो प्याज का पेस्ट बनाया था, एक प्याज का पेस्ट है, इसको हम डाल देते हैं। और इसको भी अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया उसका, धुल करके, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे इसको भी मिक्स साथ में। और एक बहुत ही नई तरीके की डिश है, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना लगे आप डाल सकते हैं नमक। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये इतनी आसान रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है गाइस, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए, और सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देते हैं, और अच्छे से मसाले को भून जाने देना है। और एक टमाटर मीडियम साइज़ का लेंगे, इसको भी आप चाहे तो चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करने में अच्छे से मैश नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे ही मिक्सर में डाल करके एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए, हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून रहे हैं, और अभी पूरे मसाले नहीं भुने हैं, थोड़ा हो गया है मसाला। तो चलिए इसको हम जो अपने टमाटर की हमने प्यूरी बनाई थी उसको डाल देंगे। एक टमाटर है छोटा मीडियम साइज़ का, उसको डाल देंगे। आप इसकी जगह दही भी 2 चम्मच डाल सकते हैं गाइस, फेट करके, और गैस की फ्लेम को स्लो करके डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास दही नहीं थी। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है टमाटर के साथ बनाने में। तो इसको हम डाल करके इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और फिर एक बार हम ढक्कन लगा करके इसको हम बंद करेंगे, अच्छे से भून लेंगे इसको। और नमक टेस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जितना आपको चलता हो उतना आप नमक टेस्ट कर लीजिए। और इसके ढक्कन को हम कवर कर देंगे। तो ये लीजिए, हमने ढक्कन को कवर कर दिया, और ये मेरे ये अंडे हैं, और ये कच्चे अंडे हैं, इसको बॉयल हमने नहीं किया है, हम कच्चे अंडे इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं, तेल सेपरेट हो गया है, आपको दिख रहा होगा, और बहुत अच्छे से मसाले भून गए हैं। पूरी तरीके से मसाले को भूनना नहीं है गाइज, थोड़ा 5 मिनट, 5% जो है मसाले को रहने देना है, यानी 95% मसाले को भून जाने देना है। और इसमें हम एक एक करके ये अपने अंडे तोड़ देंगे, तोड़ करके आप चाहे कोई कटोरी में भी तोड़ करके डाल सकते हैं, हम डायरेक्ट डाल रहे हैं गाइज। तो
तो ये देखिए, हम थोड़ी थोड़ी दूर पे जहाँ पर एक अंडा डाला है उसकी बगल में ही हम दूसरा अंडा डालेंगे, फिर उसके बगल तीसरा अंडा डालेंगे और उसके बगल चौथा अंडा डालेंगे। ऐसे हमें सारे अंडे मसाले के ऊपर डाल देना है, एक साथ इकट्ठा नहीं डालना है गाइस, टूटने ना पाए, नहीं तो हमारे अंडे ख़राब हो जाएंगे, वो जो डिश बना रहे हैं वो बन नहीं पाएगी। तो ये देखिए, हमें सारे अंडे अलग अलग जगह पर डाल देना है और इसको अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है, और इसको हम कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। और ये देखिए, हमारे अंडे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम जैसे हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं, स्टीम से ही ये बनता है ये अंडा करी। तो ये देखिए, हमारे अंडे और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं गैस। इस बात का ध्यान दीजिए कि जब ये हम करी बनाते हैं तो हमारे मसाले ज़्यादा सूख जाते हैं, तो सूख जाते हैं तो अगर आपको वैसा चलता है, लेकिन वैसा नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ही सूख जाते हैं, तो थोड़ा सा हम पानी साइड से डाल देंगे गाइस, और थोड़ा चम्मच से नीचे की तरफ मिक्स कर देंगे, अंडे हमारे टूटने नहीं चाहिए। तो ये चम्मच की हेल्प से हम मसाले थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो हमने पानी डाला है गरम वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब ठंडा भी पानी डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, तो आप जहाँ तक हो सके गर्म पानी डालिए इसमें, और एक बॉयल आने देना है। तो हमने देखिए चारों तरफ से इसको चला दिया, और इसको कट कर देते हैं, जो हमने चारों अंडे डाले थे इसको जितने अंडे एक एक के हिसाब से इसको कट कर देते हैं, और ये कट कर दिया हमने, और इसमें बॉयल आने देना है। तो ये देखिए, हमारे अंडा करी बन के तैयार हो गया है, और इसमें हरी धनिया हम डाल देते हैं, आप देख रहे होंगे बॉयल आने लगा है। और तो चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं, ये हमारी अंडा करी बन के तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। आप रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये डिश ज़रूर ट्राई करिए गाइस, बहुत ही अच्छी। और ये थोड़ा स्टीम से बनता है तो जो अंडे हमारे हैं सख्त हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, जैसे स्टीम होने पर थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसी टाइप ये होता है अंडा, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये फ्राई जैसा नहीं होता है अंडा। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही डिलीशियस डिश तैयार हो गई और बहुत ही अच्छी होती है गाइस। आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी, तो हम आपके लिए ऐसे ही रेसिपी और आगे लाते रहेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।